ओके, तो स्टीरियो इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप. वन इज नोन एज कंफर्मेशनल, अदर वन इज नोन एज ज्योमेट्रिकल और कंफिगरेशनल. एंड थर्ड वन इज ऑप्टिकल. दिस वी विल डू व्हेन वी विल डू एल्केन. कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय ओनली एल्केन. रिमेंबर, this is shown by only alkanes. How it is shown, how the conformation is there, we'll do when we'll do alkene. See, this geometrical isomerism is shown by alkene. This is shown by alkene, and optical isomerism is shown by the carbon which the compound which have chiral carbon. What is chiral carbon? We'll do it in class plus two. Which form non superimposable mirror images. What are that? The detailing is in class 12. ये प्लस वन में बिल्कुल नहीं है ऑप्टिकल. प्लस वन में हम करेंगे कंफर्मेशनल और ज्योमेट्रिकल. कंफर्मेशनल हम करेंगे जब हम एल्कीन करेंगे, और ज्योमेट्रिकल हम करेंगे जब हम एल्कीन करेंगे. ठीक, तो मैं अभी ले नहीं रही हूँ. अब ये याद रखो कि स्टीरियो आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं इन विच द एटम की जो स्पेस में पोजीशन डिफर हो जाती है इज बिकॉज ऑफ देयर चेंज इन द पोजीशन इन द स्पेस इटसेल्फ. ठीक बेटे, सो वी आर नॉट डूइंग नाउ, वी विल डू व्हेनेवर वी विल डू एल्केन एंड एल्कीन. एंड दिस अराइजेस फ्रॉम द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड, एंड दिस अकर बिकॉज ऑफ दैट पाई बॉन्ड. So I am further moving towards the basic concept. As this is not a basic concept, we can say whenever the chapter will come, we'll do. So I am starting with the basic concept. You can make a chart and rakh lo apne paas. So fundamental concepts now aage. फंडामेंटल कंसेप्ट में सबसे पहले वो डू बेटे अटैकिंग रिएजेंट. दिस अटैकिंग रिएजेंट आर एक्चुअली ऑफ टू टाइप. दीज आर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. These are electrophiles and nucleophiles. Now, what is file? The file word means loving. See, file means they are electron loving. They are electron loving. They nucleophile means they are nucleus loving. They are nucleus loving. Now, why that is electron loving and why it is a nucleus loving? क्योंकि इनमें वही कमी होगी या किसी चीज में ज्यादा होगी. इलेक्ट्रॉन लविंग इसलिए है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है. न्यूक्लियस लविंग इसलिए है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन होते हैं. ठीक, तो जिनमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वो होंगे इलेक्ट्रोफाइल, और जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे दीज कैन बी अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक, न्यूक्लियस में क्योंकि प्रोटोन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल हो जाते हैं. लेमैन लैंग्वेज में सबको. अब इलेक्ट्रोफाइल्स कैन बी पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल.
can be positively charged or neutral. Nucleophiles can be negatively charged or again neutral. पॉजिटिव चार्ज कब बनता है? जब में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. ठीक है, अभी तक हमने कभी क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं देखा, मगर हम ऑर्गेनिक जब करेंगे तो क्लोरीन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज देखेंगे. तो हम Cl पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल भी देखेंगे. इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रो Cl पॉजिटिव भी देखेंगे, Br पॉजिटिव भी देखेंगे, H पॉजिटिव भी देखेंगे. तो दीज ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल एज दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये कब बनते हैं? ये रिएक्शंस जब चल रही हैं तभी मिल जाते हैं हमें. दे विल अटैक डिपेंडिंग हमारा सबस्ट्रेट कैसा है. अगर वो जैसे बेंजीन इलेक्ट्रॉन वीक है तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी, पाई बॉन्ड है उसके पास. अगर आपको याद हो आप एल्कीन करते थे तो एल्कीन में पाई बॉन्ड है, तो पहले उसके पास इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगी. ये उसके पास एक्स्ट्रा बॉन्ड है. तो इलेक्ट्रोफाइल्स बेटे कैन बी पॉजिटिवली चार्ज. यू हैव सो मेनी इलेक्ट्रोफाइल्स. जब भी हम बेंजीन करेंगे या हम एल्कीन की स्टडी करेंगे या हम एल्काइन की करेंगे तो हम ये इलेक्ट्रोफाइल्स देखेंगे वहाँ. तो दिस कैन बी अ पॉजिटिवली चार्ज. एज दे आर पॉजिटिवली चार्ज दे वॉन्ट इलेक्ट्रॉन, सो दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एल्कीन, आई हैव एल्कीन, तो यहाँ पे अगर मैं HCl का अटैक करवाऊँ इस एल्कीन पे तो क्या होगा? पहले पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा, मींस H पॉजिटिव जाएगा. हम कहते हैं एल्कीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो पॉजिटिव चीज अटैक करती है. इन दोनों में ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर सकता है. Cl कब करता है? विल टेक ओवर इन बेंजीन. ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल वो हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग है. वो इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों है? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, या वो कमी हम दिखाते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखा के, या हम उनके ऊपर कमी दिखाते हैं उनको लुईस एसिड कह के. जितने भी हम लुईस एसिड कर चुके हैं बेटे आज तक, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था इसलिए वो ऑर्गेनिक में एज इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं. तो न्यूट्रल में जैसे कि BF3, AlCl3, ये सारे बेटे इलेक्ट्रोफाइल आ जाते हैं. क्यों आ जाते हैं? क्योंकि देयर ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, दे वांट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इन ऑर्गेनिक. वैसे हमने इसको क्या बोला था? लुईस एसिड. तो जितने भी लुईस एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रोफाइल हैं. गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग. व्हाई दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग? बिकॉज दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाउ दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन? ईदर दे हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट और दे कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो. इफ दे आर न्यूट्रल दे आर कंसिडर्ड एज लुईस एसिड्स. व्हाट द पॉइंट? They move further. Any doubt, bete? Now come bete nucleophile. Nucleophile. They are nucleophile. Why they are nucleophile? Because they are nucleus loving. Why they are nucleus loving? As they consist of either they are negatively charged. Means they consist of extra electron like Cl negative, Br negative. जो एक reaction में as electrophile work कर रहा है वो दूसरी reaction में nucleophile भी work कर सकता है बेटे, depending reaction. मैंने पहले Cl positive लिखा, then it is known as chlorinium ion. अब Cl negative लिखा, it is known as chloride ion. और ये कैसे बनते हैं? अगेन आई एम सेइंग, जब भी हम रिएक्शंस करेंगे फर्दर आपको ये समझ आ जाएगी सारी. ठीक, तो लाइकवाइज OH नेगेटिव
who are negative. So many, so many nucleophiles are there. ठीक, अगर न्यूट्रल की बात करें बेटे, न्यूट्रल में जितने भी हमने लुईस बेस स्टडी किए थे, मीन्स जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. वो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? So there are two type of reagent which attack on a substrate depending हमारा substrate कैसा है. Either it is electron rich compound or it is electron deficient. अगर उसके पास पहले electron ज्यादा है तो वहां पे जो है electrophile attack करेगी. अगर उसमें electron कम है तो उसमें nucleophile आके attack करेगी. तो depending किस type की reaction कोई जाएगा उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा. जैसे हेलो एल्केन यू स्टडी, दे विल गो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक, एल्कीन्स यू विल स्टडी, दे विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. हाउ विल दे विल गो, व्हेन विल डू, विल कम टू नो. ओके, सो द टू टाइप ऑफ रिएजेंट आर बेटे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन लविंग. As they are deficient of electron, they can be positive or negative or neutral. Nucleophile are nucleus loving. Why they are nucleus loving? Because nucleus consists of protons. ठीक बेटे, and they are rich of electrons. They can be negatively charged or they can be neutral. Means all Lewis bases we have studied are nucleophiles, and all Lewis acids are actually electrophiles. So any doubt in this, you can ask. Next bit, how is fission occurring in the organic chemistry? Yeah, bit of fission is two types, that is homolytic. And hydrolytic. होमो मीन सेम. होमोजीनियस हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. होमोजीनियस, हेटरोजीनियस. लिटिक का मतलब टूटना, लाइसिस का मतलब कुछ टूटना, फियन होनी. होमोलिटिक में जो फियन है वो इक्वल होती है. मीन्स अगर एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ है तो वो जो टू इलेक्ट्रॉन्स है, टू एटम्स, टू एलिमेंट्स के साथ या टू एटम्स के साथ शेयर हो रहे हैं, इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड. तो एक इलेक्ट्रॉन एक लेके जाएगा और सेकंड वन सेकंड लेके जाएगा. मींस बराबर इक्वली डिवाइड होंगे, होमो डिवाइड. जैसे कि हम विल स्टडी अबाउट एल्केन. यू हैव स्टडीड वन ऑफ द रिएक्शन जब हम क्लास प्लस वन में करते थे तो यू यूज्ड टू प्रिपेयर दिस द प्रेजेंस ऑफ लाइट. इसमें जब ये फर्स्ट हाइड्रोजन निकलता था तो ये एक होमोलिटिक फिजन थी. ये जो मैकेनिज्म विल स्टडी, मैकेनिज्म में इसकी जो फिजन होगी वो होमोलिटिक होगी. होमोलिटिक कैसी होगी? ये कार्बन के चार हाइड्रोजन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वन ये लेके जाएगा और वन ये लेके जाएगा. ठीक, तो हमारे पास जो मैकेनिज्म विल सी, मैकेनिज्म में जो टूटेगा बॉन्ड वो इक्वली इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे. जब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट्स बनते हैं. अब इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट्स बेटे वो चीज होती है जो रिएक्शन में बनते हैं बड़े ही थोड़े टाइम के लिए. ये वेरी शॉर्ट लीव स्पीशीज, बहुत ही कम टाइम के लिए बनते हैं जब कोई मैकेनिज्म चल रहा हो. हमने देखा कि मिथेन में क्लोरीन ऐड करवाई, लाइट दी जी, क्लोरो,
क्लोरीन से रिप्लेस होगी, ठीक है, हमारे पास क्लोरोमीथेन बन गई। पर वो इतनी चुटकियों में तो नहीं किया, कुछ मैकेनिज्म फॉलो करता है कोई भी रिएक्शन, तो मैकेनिज्म जो फॉलो करता है तो हर ऑर्गेनिक रिएक्शन में कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ठीक। जैसे कि एल्केन में यहाँ पे जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फ्री रेडिकल्स। जो ये होमोलिटिक पियन से दोनों की तरफ वन वन इलेक्ट्रॉन आए तो ऐसे इंटरमीडिएट को कहा जाता है फ्री रेडिकल, ठीक। फर्स्ट इज, नेक्स्ट इज हिट्रोलिटिक फ्यूजन। अब हिट्रोलिटिक फ्यूजन में जब वो बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है, एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है और एक एटम एक भी नहीं लेके जाता। ये बॉन्ड शेयरिंग से बना था, एक ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और एक को एक भी नहीं मिला, तो हमारे पास ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। मींस फ्यूजन इक्वल नहीं हुई, वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज इन द लॉस, ठीक। इस केस में हमारी रिएक्शन में कार्बोकेटायन और एनायंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये बॉन्ड टूटेगा, ये क्लोरीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सीएल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सीएल ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और कार्बन से ले लिए। तो एक ये हमारे पास अगेन विल स्टडी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में, नेक्स्ट ही लूंगी आपके लिए बाद में। तो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बनी और नेगेटिवली चार्ज बनी, कब, जब हिट्रोलिटिक फ्यूजन। बट इस कंसेप्ट को समझो सिर्फ, ठीक है। होमोलिटिक फ्यूजन में इक्वली डिवाइड होंगे, दोनों वन वन इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, एंड हिट्रोलिटिक फ्यूजन में जो है डिवाइड इक्वली नहीं होगा, एक एटम दोनों ही इलेक्ट्रॉन ले जाता है और एक को एक भी नहीं मिलता। सो गेटिंग द पॉइंट, एनी डाउट? हाँ जी, हरी अप। No doubt, are you listening? हाँ जी। So next is, next is बेटे effects, and these effects are so much of importance. ये अगर नहीं आएंगे तो हमें मुश्किल हो जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन द कोवेलेंट बॉन्ड। और इसमें फर्स्ट जो इफेक्ट आएगा दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। आप पहले समझो, फिर इसके बाद मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। अब ना आपने एक मैंने रस्सा पकड़ा दिया, एक रोप आपने पकड़ी हुई है, ठीक। रोप में ये यहाँ पे टू बॉल्स हैं, ठीक, टू बॉल्स हैं। अब ये क्लोरीन, क्लोरीन को एक ऐसा क्लास में स्ट्रॉन्ग बॉय समझो जो बाकियों से, बाकी इसके सामने कुछ भी नहीं, टग ऑफ वॉर चल रही है, देयर इज अ टग ऑफ रोप, की खींच रहे हैं आपकी, कंपटीशन हो रही है। तो एक तरफ तो ऐसा हमने बॉय खड़ा कर दिया जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत है, और ये बाकी स्टूडेंट्स खड़े हैं, मान लो हमने 1 2 3 4 स्टैंड अप कर दिया।
अब ये स्टूडेंट ऐसे हैं, मान लो इनके पैरों के नीचे मैग्नेट लगे हैं, वो अपनी पोजीशन नहीं हिल सकती, उनकी अपनी पोजीशन नहीं हिल सकती। वेयर दे आर स्टैंडिंग दे विल रिमेन स्टैंडिंग देयर, मगर जो रोप है वो डिस्प्लेस हो सकती है। ठीक, अब ये क्लोरीन है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉय खड़ा है, वो क्या करता है, इस रोप को अपनी तरफ खींचता है। अब जब ये खींचता है तो ये जो दो बॉल्स हैं, क्योंकि रोप के ऊपर बॉल लगी हुई है, ये बॉल इस क्लोरीन की तरफ ड्रिफ्ट हो जाती है। जब ये रोप थोड़ी सी यहां से आगे गई तो इसकी बॉल्स भी यहाँ पे ड्रिफ्ट होंगी। सेम इज विद दिस केस, सेम इज विद दिस केस, होगी ना, कि हमने एटम्स की पोजीशन नहीं की, चेंज की। एटम्स को मान लो हमने बड़े बड़े मैग्नेट्स लगा के बाकी स्टूडेंट्स को अपनी अपनी प्लेस पे रख दिया, और ये भी अपनी प्लेस पे खड़ा है, पर इसके पास इतनी ताकत है कि ये इस रोप को हिला सकता है। जब ये रोप हिलाता है तो ये जो बीच में रेड बॉल्स हैं वो इस तरफ शिफ्ट हो जाती है। अब ये बॉल्स हैं नेगेटिवली चार्ज, अब इस क्लोरीन की तरफ ये शिफ्ट होती जा रही है, इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जिससे ये खींच रहे हैं क्योंकि इनसे नेगेटिविटी दूर जा रही है, तो इसके ऊपर आ जाता है बेटे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब क्योंकि क्लोरीन, अब इसको ऑर्गेनिक में समझो, क्योंकि क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमने एक कार्बन की चेन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया जो कि क्लोरीन है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। कौन से इलेक्ट्रॉन बेटे, ओनली सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव इफेक्ट रिमेम्बर पाई बॉन्ड पे नहीं लगता, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड पे, जो फर्स्ट बॉन्ड है या तो वो सिंगल होगा, या अगर डबल बॉन्ड है तब भी सिग्मा पे ही लगेगा, पाई पे नहीं लगता, ये आप ध्यान पे रखो। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटे ऐसे खींच रहा है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो ये कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जितनी कार्बन नियरर है, ऑब्वियसली जो स्टूडेंट उस स्ट्रॉन्ग बॉय के नियरर होगा वो ज्यादा इफेक्ट होगा, और जो पीछे होंगे उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जौन सा कार्बन सबसे ज्यादा नियर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक, जैसे जैसे कार्बन पीछे जाते जाएंगे उनमें जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक, तो फर्स्ट हमने कहा कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट हुई है, क्यों, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। सेकेंड हमने ये कहा कि ये डिस्टेंस इफेक्ट है, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस, एंड दिस इफेक्ट्स जो हम कर रहे हैं बेटे दे आर सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस। ये कंसेप्ट प्लस वन में भी आएगा, तब हम आपको समझाएंगे नहीं, हम बस यही बोलेंगे ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, तो ये एक डिस्टेंस इफेक्ट है, जितना कार्बन एटम दूर होगा उतना ज्यादा ये इफेक्ट कम लगेगा, और इसमें डिस्प्लेस क्या हो रहे हैं, देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस क्लोरीन, देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या एटम, जैसे कि हेलोजन, इसमें हमने क्लोरीन अटैच किया, हमने कहा अटैच किया, एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑफ दिस सी एक्स बॉन्ड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ये अट्रैक्ट हो गए। तो हम अगर इंडक्टिव इफेक्ट को अब डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, किसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, कौन से इलेक्ट्रॉन की,
सिग्मा. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसकी हुई बेटे, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन. किसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग द सैचुरेटेड. ये सैचुरेटेड मैंने कहा इसकी पाई बॉन्ड नहीं होते इससे. अलोंग द सैचुरेटेड चेन व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच टू द एंड ऑफ द चेन. गेटिंग माई पॉइंट. वट इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट. क्योंकि अगर हेलो एलिकेन्स हैं तो उसमें क्लोरीन हमेशा खींचेगा ही खींचेगा. ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए लगेगा फिर नहीं लगेगा. तो गॉट द पॉइंट. अब जितने भी हम इफेक्ट करेंगे उसमें हम टू टाइप के बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन को छोड़ के. दिस इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप. वन इज माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, वन इज प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिमेम्बर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आपने फंक्शनल ग्रुप करे हैं वो सारे माइनस आई, क्योंकि कार्बन से उनकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, COH ऑक्सीजन आ गया उसमें तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है. चाहे वो हेलो एल्केन है जिनमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन आ जाता है, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनको अभी तक वही नहीं पता जिस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ऑर्गेनिक में अगर हम सब तरफ नजर लगा के देखें, चाहे वो अमीन्स की बात कर लें, चाहे वो एस्टर्स की बात कर लें, चाहे वो एल्कोहल्स की बात कर लें, चाहे वो हेलो एल्केन्स की बात कर लें बेटे, सब में या तो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स होंगे, ये नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर है नाइट्रोजन, या योर हेलोजन फैमिली का मेंबर है, तो ये सारे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव. कार्बन से तो ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है. जब भी ये लगे हो, जब भी एंड ऑफ द चेन में कुछ भी लगाओ, कुछ भी ऑर्डर आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, कुछ भी लगाओ, इन सब का बेटे प्लस माइनस आई ही इंडक्टिव फैक्टर होता है. कुछ भी, कोई भी ग्रुप. अब कार्बन को कौन दे सकता है फिर, खुद ही कार्बन मींस प्लस आई इफेक्ट कौन शो कर सकता है, कार्बन खुद ही, और कोई नहीं कर सकता. मींस अगर जितने ज्यादा कार्बन, अगर टर्शरी लिंकेज हो, जैसे कि अगर मैं इस पे ये लगा दूं, तो इस कार्बन को ये तीन कार्बन मिलके फटाफट से दे देंगे. रिमेम्बर प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट अगर कोई शो कर सकता है तो खुद कार्बन, और जितने ज्यादा कार्बन हो लगे होंगे उतना उनका प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाएगा. अगर टर्शरी होगा उसका ज्यादा होगा, अगर इथाइल होगा मीन्स CH3CH2 उसका कम हो जाएगा, मिथाइल होगा CH3 उसका और कम हो जाएगा. तो प्लस आई जो इंडक्टिव इफेक्ट है इट इज शोन बाय कार्बन इटसेल्फ. मोर इज द नंबर ऑफ द कार्बन, इफ ग्रुप इज टर्शरी देन ग्रुप इज सेकेंडरी देन ग्रुप इज प्राइमरी देन ग्रुप इज मिथाइल, तो ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट उसका कम होता जाता. और माइनस आई जितने भी आपने ग्रुप स्टडी करी, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, अल्कोहल, ईथर, क्योंकि सबके पास ऑक्सीजन है, सबके पास हेलोजन हैं, जो या सबके पास नाइट्रोजन है, अमीन्स करे या हमने नाइट्रो कंपाउंड्स करे, उन सबके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो सबका माइनस आई इफेक्ट. व्हाट द पॉइंट बेटे, ठीक है. अगर आपको कुछ बताया जाए, जो नाइट्रो आपको याद रखना बेटे, जो नाइट्रो होते हैं जैसे NO2 वगैरह या CN वगैरह, उनका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है. फिर बारी आ जाती है इनकी, जिनके पास ऑक्सीजन है COH CHO, इनका माइनस आई ज्यादा होता है. फिर सारे हैलोजन वालों की बारी आती है लास्ट में, और हैलोजन में आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, सबसे फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की.
तो दे है मोर माइनस आई, और प्लस आई किसका ज्यादा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। ओके, गॉट इंडक्टिव फैक्टर नॉट, एनी डाउट, से यस और नो। हाँ जी, आर यू देयर और यू आर लिसनिंग और नॉट। अब ये एसिडिक एसिड है, अब ये एसिड क्यों है, क्योंकि एच प्लस देता है। एसिड कोई चीज क्यों कहा जाता है जब वो एच प्लस देता है? ये एच प्लस कैसे देता है, ये एच प्लस कैसे देता है, ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचती है और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, परमानेंट डाइपोल का मतलब होता है कि दो पोल अपियर होना, दो पोल, जैसे ये कार्बन कार्बन है, ये क्लोरीन लगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये हमेशा ही रहेगी, ये परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि ये क्लोरीन ऑलरेडी लगा हुआ है, क्लोरीन को हमने रिमूव तो नहीं किया, तो दैट इज व्हाई इट इज अ परमानेंट। अगर मैं आपको बोलूं क्लोरोप्रोपेन में क्या डाइपोल है, हाँ जी है, परमानेंट डाइपोल है, वो रहती रहती है, उसमें दो पोल रहते ही रहते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्योंकि उसमें जो क्लोरीन लगा है क्लोरोप्रोपेन में, उसका काम ही इलेक्ट्रॉन खींचना ड्यू टू माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। ओके गीतेश, टाइम जा रहा है, मैंने ये क्वेश्चन जवाब। ओके हाँ, तो बेटे ये एसिडिक एसिड है, ये क्लोरो एसिडिक एसिड है, ये डाई क्लोरो एसिडिक एसिड है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो ऑर्डर है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, फिर ये है, फिर ये, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटे इसमें H प्लस निकालना है। अब H प्लस वो जल्दी निकाल पाएगा जो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, कि हाइड्रोजन कंपेल करे ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर जाए। अब यहाँ पे मैंने एक क्लोरीन लगा दी, एक तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रही है ये हाइड्रोजन से, अब ये क्लोरीन लगने के कारण ये भी खींच रही है, ये क्लोरीन इस कार्बन से खींच रही है, ये कार्बन इस कार्बन से खींचेगी, ये ऑक्सीजन से खींचने की कोशिश करेगी, तो ये ऑक्सीजन किससे खींचेगी, हाइड्रोजन से, तो ये